हाई एवरी वन वेलकम टू जे केमिस्ट्री सो गाइज टॉपिक्स ऑन डिमांड सीरीज़ में सेवन वीडियोज ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ ये वाली सीरीज हमने दो तीन महीने पहले आई थिंक उससे भी ज़्यादा पहले स्टार्ट करी थी तो उसमें ना सेवन वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं इस सीरीज में इसीलिए हम करते कहें जो भी टॉपिक कोई ऐसा होता है किसी चैप्टर का जो आपको समझ नहीं आता है या फिर आपको लगता है कि बुक्स से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है तो उस वाले केस में अगर आपकी डिमांड होती है तो वो वाले टॉपिक्स में इसमें करवाती हूँ और मैंने अभी जब हमारे वन वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हुए थे तो मैंने बोला था कि हम टॉपिक्स डिमांड सीरीज़ को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं तो भी में आएंगे आज की जो क्लास है वो है उसमें ना क्रैम्स रूल फेल मॉडल के साथ साथ प्रिलोव रूल को भी ऐड कर दिया गया है तो ये हम कवर करेंगे अब ये वाले वीडियो देखने से पहले आप एक काम करेंगे अगर आपने क्रैम्स रूल पहले पढ़ा हुआ है कभी भी तो आप सिर्फ जाके उसको रिवाइज कर लो नोट्स में आके होंगे आपने एक बार जाके उसको रिवाइज कर लो अगर क्रैम्स रूल कभी पढ़ा ही नहीं है तो क्रैम्स रूल की वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी पहले जाके एक बार क्रैम्स रूल देख लो उसके बाद आपको समझ में आएगा प्रीलॉग्स रूल क्योंकि प्रिलॉक्स में कुछ नया नहीं होता है

एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं तो क्रैम्स रूल से आएगा एंड मॉडल से आ जाएगा लेकिन एक क्वेश्चन आता पक्का है एंटी क्राइम रूल से आ सकता है तो इन वाले केसेस में मेन पॉइंट कि क्वेश्चन तो आता है कभी कभी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो अलग बात होती है तो इसलिए बोल रही हूं क्योंकि क्रैम्स रूल एंटी क्रैम्स पे काफी क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं तो इस बार चांसेस हैं क्योंकि प्रिलोक्स रूल को नया एड किया गया है तो हो सकता है इस बार क्वेश्चन

तो जब भी आपको आइडेंटिफाई करना है क्या यहाँ पर प्रियोग कर सकते हैं तो सबसे पहले आप ढूंढेंगे कीटो एस्टर अब इसका क्या मीनिंग है जैसे जैसे लिखा गया है वैसा वैसा स्ट्रक्चर बना लो एक तो कीटो ग्रुप है लेट्स से मैंने ये लिखा यहाँ पर मान लो आर लगा दिया सपोज इस तरह से करके ठीक है अब इसके बाद इसकी एल्फा पोजिशन पे एस्टर ग्रुप है उसको मैंने इस तरह से लगाया ये हो गया अपने पास एस्टर ग्रुप अब एक चीज ध्यान रखना अब जो ये ऑक्सीजन है ना इसके साथ जो ये कार्बन अटैच है ये हमारे पास ए सीमेट्रिक कार्बन होगी दैट मीन्स यहाँ पर चार डिफरेंट ग्रुप होने वाले हैं एक ग्रुप मैंने यहाँ लगाया एक इस तरह से लगाएंगे लगाएंगे हम यहाँ पर और एक हमने लगा दिया डैश पोजिशन पर ठीक है लेट्स से इसको मैंने बोल दिया ये लार्ज ग्रुप है ये स्मॉल है और ये मीडियम है अब ये small, large medium क्या है अगर आपने पढ़ा है, है है? आपको पता है क्या है? हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं अगर नहीं पता फिर से बोल रही हूं जाके देख लो एक बार यहां पर आते हैं तो देखो ये हमने बनाया सिंपल अल्फा कीटो एस्टर ग्रुप है अल्फा पोजिशन में एस्टर लगा हुआ है नेक्स्ट कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है ठीक है अब यहाँ पर कंडीशन क्या है कब हम अप्लाई कर पाएंगे प्रीलोक्स रूल उसका ध्यान रखना है आपको जैसे हम क्रैम्स रूल में बोलते हैं कि जो हमारा कार्बोनिल है जो हमारे पास ये कार्बोनिल वाला ग्रुप है और जो लार्ज ग्रुप होगा वो आपस में एंटी होने चाहिए ठीक है जैसे कार्बोनिल ऊपर साइड है तो लार्ज ग्रुप इसके एंटी होगा ऐसे बोलते थे यहाँ पर बात यह है कि जो ये वाला ग्रुप है कीटो ग्रुप के साथ में जो ये वाला हमारे पास अल्काइल ग्रुप है ये और जो ये लार्ज वाला ग्रुप है वो आपस में एंटी होने चाहिए जैसे ये हमने नीचे साइड दिखाया है यहाँ पे तो इसको हम ऊपर की साइड दिखाएंगे वहां पर कार्बोनिल और लार्ज ग्रुप में एंटी वाला रिलेशन था यहां पर अपना ये वाला आर ग्रुप और जो लार्ज ग्रुप है एसिमेट्रिक कार्बन का वो आपस में एंटी होने चाहिए ठीक है तो यहां मैं लिख रही हूं आर एंड लार्ज ग्रुप शुड बी एंटी तो ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन शुड बी एंटी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर हो गई फर्स्ट कंडीशन पहले आप ये देखेंगे इसके बाद अगर आपका सबस्ट्रेट इस टाइप का है जिसमें आर ग्रुप और एल एंटी पोजिशन पर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डायरेक्टली अप्लाई करोगे प्रीलॉक्स रूल लेकिन अगर ऐसा है कि जो लार्ज ग्रुप है वो और ये आपस में एंटी नहीं है तो फिर आपको यहां पे सिंगल बोर्ड है रोटेशन करवा के लार्ज ग्रुप को एंटी लेके जाना पड़ेगा इतना ध्यान रखना ठीक है तो ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है पहले आप इसको सेटिस्फाई करवाएंगे उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे ओके तो अगर ऐसा हमारे पास है तो फिर क्या करना है हमें कुछ नहीं करना जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच विल अप्रोच फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड फ्रॉम स्मॉल ग्रुप साइड बस खत्म यही था आपका प्रिलोक्स रूल स्मॉल ग्रुप साइड रूल यहां पर खत्म हो गया है बस हम एग्जाम्पल्स करेंगे आगे. इसको ना आप कैसे याद रखोगे इसको रिलेट कर लेना क्रैम्स रूल से क्रैम्प रूल में कार्बोनिल और लार्ज ग्रुप एंटी होते थे न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्मॉल साइड वाले से अप्रोच करता था अगर ये वाली रिलेशनशिप होती थी तो है ना यहां पर भी वैसे ही है ये वाला आर ग्रुप और ये एल आपस में एंटी होंगे और जो अपने पास न्यूक्लियर आएगा वो कहां से आएगा जो भी हमारे पास स्मॉल ग्रुप जिस भी साइड पर है उसी साइड से अटैक करेगा अब जैसे यहां पर स्मॉल अपना वेज पोजिशन पर है तो आपका न्यूक्लियो भी वेज से ही अप्रोच करेगा इतना क्लियर हो गया चलो अगर इतना समझ में आया है तो अब भी लिखेंगे हम एक क्वेश्चन कोई भी न्यूक्लियो मान लो अब देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि यहां पर ना दो कार्बन है जहां पे अटैक हो सकता है एक तो ये वाली कार्बन और एक ये वाली कार्बन इन दोनों में से हम कौन से कार्बन पर अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर मुझे ये पता लगाना हो कि ये वाली कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है या ये वाली कार्बन ज्यादा कैसे पता लगाएंगे हम क्योंकि हम कैरेक्टर सीरीज ऑलरेडी साथ साथ पढ़ रहे हैं मैंने बहुत बार बताया आपको ये कि जो हमारे पास कीटो वाली ये वाली कार्बन है ये कंपेरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है रीजन क्या है इसको अगर मैं ऐसे ब्रेक करवाऊं तो यहां पर जो पॉजिटिव आएगा उसको ये अपना प्लस आई देकर स्टेबिलाईज करेगा है ना और अगर मैं इस एस्टर वाली कार्बन को बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करवाऊं इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन से इसको लॉन्ड पेयर मिलेंगे है ना तो ये प्लस एम लगा के पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और हमें ये पता है जो प्लस एम होता है वो ज्यादा डोमिनेट करता है प्लस आई के कंपैरिजन में दैट मींस जो ये वाला कार्बोक्राइन बन रहा है यहां पर दैट विल बी मोर स्टेबल ठीक है तो हम ये कहेंगे कि एस्टर वाली कार्बन से ज्यादा ये वाली कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये बात तो श्योर हो गई कि जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका अटैक इस पर्टिकुलर का कार्बन पर होगा एस्टर को वो देखेगा भी नहीं ठीक है इतना चलो तो यहां पर इसको भूल जाओ ये हमें नहीं देखना है क्योंकि जब तक हमारे पास कीटोन है यहाँ पे सबस्ट्रेट में तब तक अटैक इसके ऊपर ही होगा कहां से आएगा स्मॉल ग्रुप वाली साइड से स्मॉल ग्रुप वेज पे है तो न्यूक्लियोफाइल भी वेज से ही अप्रोच करेगा यानी कि ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आया है तो ओ माइनस कहां जाएगा डैश पे ये ओ माइनस हो गया आपका ठीक है और यहां पर ये एस्टर है लार्ज ग्रुप इधर स्मॉल और इधर मीडियम स्मॉल मीडियम लार्ज ये बनेगा तो ये है आपका प्रीलोक रूल इजी है है ना जिसको क्रैम्स रूल आता था उसको तो बहुत लगा होगा जिसको नहीं आता वो अभी भी कंफ्यूजन में होंगे ओके okay. इतना क्लियर है ना अब हम करेंगे आगे थोड़े से क्वेश्चन एक दो उतना काफी रहेगा क्लियर हो गया ओके okay. तो पहले ये करते हैं हाँ ये कर लेते हैं इससे सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ध्यान से देखो एकदम एक बार लिखो अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो एक बार लिखो इसको बिल्कुल बेसिक अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वो अप्लाई करो स्टार्ट करो गिगनार रिएजेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कैसे करेंगे देखो हमेशा क्योंकि मैंने बोला है कि कीटो एस्टर आपको चाहिए होंगे ठीक है वो वाली बात तो चलो मान ली लेकिन आपको पता है एग्जाम में क्या होता है अब कीटो एस्टर ये ये मैंने थोड़ी है कि कीटो एस्ट्रो से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन एक स्टेप पीछे से करवा सकते हैं एक स्टेप आगे से करवा सकते हैं है ना तो इस बार उन्होंने कीटो एस्टर आपको डायरेक्टली नहीं दिया सपोज ये क्या है अपने पास एसिड है और ये क्या है एल्कोहल ठीक है और हमें ये पता है कि एसिड प्लस एल्कोहल क्या मिलेगा एस्टर मिलेगा सिंपल एस्ट्रिफिकेशन सही है तो अगर आप चाहें तो पूरा मैकेनिज्म लिख सकते हैं अदरवाइज मैकेनिज्म कैसे लिखोगे पहले वो देखो ये ये नेक्स्ट स्टेप में इसको निकाल देंगे बाहर यहां से या तो ऐसे करवाओ या फिर सिंपल कैसे करते हैं जब भी आपको दिखे एसिड साथ में एल्कोहल तो आपको यहां से वाटर निकाल देना है बस सिंपल आपका एस्टर बन जाएगा ठीक है स्टार्ट करते हैं तो यहां से फर्स्ट स्टेप में मुझे ये मिलेगा ऐसे है ये ये ऑक्सीजन इसका ध्यान देख से देखना यहां पे। अब जो ये ऑक्सीजन है ये जिस भी कार्बन से अटैच है उसको मैंने यहां बना दिया ठीक है अब देखो जो ये वाली कार्बन है इसके साथ दो ग्रुप प्लेन में है एक ओव OH और एक एच ये प्लेन में आ गया और ये एच भी प्लेन में आ गया ठीक है सी एच थ्री वेज पे है सी एच थ्री को हमने वेज पे लगा दिया और डैश पर है अपना एच ग्रुप डैश पे हमने लगा दिया एच इतना ठीक है ये आपके पास इस रिएक्शन का हो गया फर्स्ट स्टेप सही है क्योंकि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है इसकी फाइनल प्रोडक्ट की तो आप ध्यान रखेंगे इसको एकदम प्रॉपर बनाओ अगर ये दोनों प्लेन में है इनको प्लेन में ही दिखाना है CH3 वेज पे आ रहा है और डैश पे जाएगा अपना फिनाइल इतना ठीक है इतना जा रहा है ओके तो अभी अपने पास ये बन चुका है कीटो एस्टर है ना अब आगे अप्लाई करना है हमें ये सेकेंडरी रिएजेंट डाल रखा है ये हमें ऐड करना है यहाँ पे तो यहाँ पे है ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ना Et-MgBr में दे रखा है कैसे करेंगे आगे देखो पहली बात तो ये आप इसको देख के समझ जाओ कीटो एस्टर है ये अपना न्यूक्लियर है इस बार इसने अटैक कर रहा है अटैक कहां से करेगा अटैक तो ये स्मॉल ग्रुप वाली साइड से करेगा लेकिन कंडीशन क्या है पहली ये वाला ग्रुप और जो लार्ज ग्रुप है वो आपस में एंटी होनी चाहिए तो पहले इन तीनों को हम कैरेक्टराइज करेंगे स्मॉल मीडियम लार्ज में ये हमारे पास स्मॉल ग्रुप हो गया ये मीडियम हो गया और ये हो गया लार्ज फर्स्ट स्टेप क्या है लार्ज को इसके एंटी लेकर जाना है स्टार्ट करते हैं कैसे हो सकता है देखो अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है फिर तो कर लोगे। इस कार्बन को देखो यहां पर प्लेन में H है बैक साइड पे फिनाइल है और फ्रंट साइड पे CH3 है ये है ना अब मुझे क्या चाहिए मैं ये चाहती हूं कि जो ये फिनाइल है मेरा जो लार्ज ग्रुप है ये यहां पर पहुंचे ठीक है तो क्या करने वाली हूं मैं इसको ऐसे घुमाऊंगी यहां से गया है ये यहां पर आएगा और ये यहां पर आएगा हमने कुछ नहीं किया सिंपली रोटेशन करी है है ना तो रोटेशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सब कुछ सेम रहेगा यहां पर देखो फिनाइल जा रहा है इसके प्लेस पे ठीक है तो मैं रोटेशन करवा के यहां लिखती हूँ हमने रोटेशन करवाई है रोटेशन करवा के फिनाइल चला गया एच के प्लेस पे एच आ गया है सी एच टी के प्लेस पे सी एच टी फ्रंट में है तो यहाँ हम लगाएंगे यहाँ पे यहां आपका एच हो गया और सी एच थ्री गया है फिनाइल के प्लेस पे फिनाइल बैक साइड पे था तो डैश पे आ गया एक सेकेंड अपना सी एच थ्री ये इस तरह से हमने रोटेशन करी है अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से हमने सिंपल रोटेट किया इसको और अपना ये बन गया है अभी ऐसे यहाँ समझ में आया अब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जो ये वाला ग्रुप है और ये लार्ज वाला ग्रुप है वो आपस में एंटी होने चाहिए उनको हम एंटी लेकर आ गए हैं अब वापस से सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे ये आ गया आपका न्यूक्लियो फाइल यह अटैक करेगा वाली कार्बन के ऊपर कहां से स्मॉल ग्रुप वाली साइड से तो इसको मैंने ऐसे करवाया इसने अटैक किया यहां पर कहां से आएगा क्योंकि स्मॉल ग्रुप वेज पे है तो ये भी वेज से ही अटैक करेगा डेट मीनस यहां पर आ गया आपका इथाइल डैश पे चला गया ओ माइनस यहां पर है सी एच थ्री इधर अपना एस्टर वापस से ऐसे अब देखो क्योंकि आप इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री प्रिडिक्ट कर चुके हो ये वाली कार्बन जैसे आपको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन थी आपको रोटेट करके वापस वैसे ही लिखनी है क्योंकि ये सिर्फ हमने क्या है हम चाहते थे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बताना वो हम बता चुके हैं बाकी जैसे क्वेश्चन में है उसको हमें वापस वैसे रिपोर्ट करना है तो उसके वापस रोटेशन करवा के इसको ऐसे लिखेंगे इधर एच है और वेच पे सी है और ये डैश पे है इसको रोटेट करवाना मत भूलना कभी कंफ्यूज पता नहीं क्या होगा ये तो कहीं और ही पहुंच गए यहां तक आ गए हैं ठीक है ठीके? अब हमें करवानी है हाइड्रोलिसिस ध्यान से देखो लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस है तो पहला काम तो लेट से ये होगा कि ओवर आ जाएगा यहां पे ठीक है अब हमें ये पता है जो एस्टर ग्रुप होता है उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी होता है और उसका बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होता है अब यहां पर क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया है लेट से आपको बोल देती हूँ कि मान लो यहाँ पे कैसे होगा ये बेसिक हाइड्रोलिस मान लेते हैं इसको इस तरह से कुछ है है ना तो क्या होगा ऐसे इसका अटैक करवाया यहां पर नेक्स्ट स्टेप में ये बाहर और ये वापस तो क्या मिलेगा ऐसा करने से ये कार्बन है यहां पे सी ग्रुप लगा हुआ है ये अपना वेच पे इथाइल ग्रुप है डैश पे ओवेच है और यहाँ पर ही यह आ गया C डबल बोन O और ये OH और साथ में अपना ये O माइनस वाटर से निकाल लेगा इधर H वेच पे CH3 और यहाँ पर डैश पे pH एच आ जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट सही है इतना लिखो एक बार फिर आगे देखते हैं अब यहाँ पर भी ना थोड़े से एक दो कॉन्सेप्ट और भी हैं उनको एकदम ध्यान से सुनना अगर मैं आपको यह बोलूं यहां पे कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं तो मैंने यह बोला है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है ठीक है अब इसका मीनिंग यह नहीं है कि हंड्रेड परसेंट यही बनने वाला है इसको हम ये बोलेंगे कि यह हमारा मेजर प्रोडक्ट है यह हमारा मेजर प्रोडक्ट है लेकिन यहां पर इसका माइनर भी तो बनेगा और माइनर में क्या होगा माइनर में इथाइल आएगा डैश पोजिशन पे

इसका मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ एक ही बन रहा है वहां पर ये भी बनेगा परसेंटेज कम रहेगी लेकिन बनेगा ये भी इतना क्लियर हो गया एक तो ये वाली बात इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये यहां पर आओ इसको देखो एक बार ये है अगर हम देखें ओवरऑल रिएक्शन जब हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पे अटैक करता है वो इस वाली कार्बन के ऊपर ठीक है और यहाँ पर जो ये स्टीरियो सेलेक्टिविटी इंड्यूस हो रही है दैट मीन्स जो इथाइल वेज पे आ रहा है डैश पे आ रहा है ये सब हो रहा है जो किसकी वजह से हो रहा है वो सब हो रहा है इस पर्टिकुलर कार्बन की वजह से ऐसा क्यों क्योंकि इसके ऊपर ये दो ग्रुप्स लगे हुए डिसाइड कर रहे हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री किस तरह से होगी है ना इसी की बल्किनेस इसी की हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री में इफेक्ट पड़ रहा है इतना समझ में आया ना ओके अब एक चीज देखो जो हमारा रिएक्शन सेंटर है ये और जो ग्रुप इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को डिसाइड कर रहा है उन दोनों में डिस्टेंस काफी ज्यादा है समझ आया अगर कंफ्यूजन है तो ऐसे देखो जब हम बात करते हैं क्रैम स्टूल की तो वहां पर कुछ ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है या फिर ऐसे मान लो ये कार्बन है ये अपना लार्ज यहां लगा दो ऐसे कुछ लगा लो ये स्मॉल और ये मीडियम ऐसा कुछ होता है वहां पे है ना तो मेन पॉइंट ये है कि जो अपना रिएक्शन सेंटर है ये और जो कार्बन जो ग्रुप जो है जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वो जस्ट इसके साथ में होते हैं इस वाले केस में रिएक्शन सेंटर यहाँ पर है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा दूर है इससे सही so, है इसे कंपेयर करके देखो तो इसकी वजह से क्या होता है जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट्स आए हैं उन दोनों की परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है जैसे यहाँ पर तो कभी कभी ऐसे होता है अगर ग्रुप थोड़े से बल्कि लगे हों तो ऐसे हो सकता है कि मेजर आपका बन रहा है और माइनर बन रहा है लेट से, से एग्जाम्पल दे रही हूँ सिर्फ अगर ये बना है फिफ्टी और ये बना है फोर्टी तो हमने मेजर माइनर तो प्रेडिक्ट कर दिया है लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो मेन बात यह है क्रैम्स रूल के कंपैरिजन में प्रिलोक्स रूल में जो प्रोडक्ट आएंगे उनमें पुअर होती है स्टीरियो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है प्रोडक्ट्स में रीजन क्या है रिएक्शन सेंटर और जो ग्रुप उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है उसमें डिस्टेंस काफी ज्यादा है सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं सही है इतना ओके तो यहां पर अपना प्रिलोक्स रूल होता है खत्म इसको अच्छे से कर लेना एकदम क्योंकि क्योंकि देख लेना दो ही चीजें ध्यान रखनी है जो आपका लार्ज ग्रुप है वो और जो कीटो के सामने वाला ग्रुप है उसको एंटी रखो और स्मॉल से अटैक करवा दो इतना ही ध्यान रखना होता है न्यूक्लियर में आपको इस बार मैक्सिमम जो होता है आपको एस्त्रे देखने को मिलता है यहाँ पे कोई ना कोई कायरल एल्कोहल होगा क्योंकि तभी हम कारियलिटी इंड्यूस करवा पाएंगे यहाँ पर कारियल मिलेगा हमें सेंटर ठीक है और बाकी जैसे आपको करवाया ऐसे ही होता है ठीक है सो आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी कुछ हेल्प हो गई होगी हैप्पी लर्निंग